पुलिस ने एटीएम और गिरोह दबोचा। पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह दबोचा, चार आरोपी गिरफ्तार। यूट्यूब से सीखा एटीएम काटना। शिवपुरी जिले के करैरा थाना पुलिस ने एटीएम मशीन चोरी करने के प्रयास के मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर एटीएम मशीन को काटना सीखा था। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि करैरा में दिनांक 11/1/2024 की रात्रि 3 बजे अज्ञात बदमाशों के द्वारा एटीएम तोड़कर बाहर निकालकर ले जाने का प्रयास किया गया। एटीएम तोड़ने की इस घटना से कस्बा करैरा में सनसनी फैल गई। फरियादी सोनू कृष्णानी निवासी पुलिस लाइन के पास करैरा की रिपोर्ट पर से थाना करैरा में चोरी का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। थाना करैरा पुलिस द्वारा घटनास्थल तथा आसपास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज लिए गए एवं साइबर सेल की मदद से करैरा पुलिस द्वारा लगातार सघनता से प्रयास किया गया, जिसके आधार पर ज्ञात हुआ कि नितेंद्र पाल पुत्र रतिराम पाल उम्र 23 वर्ष, राहुल पाल पुत्र हरभजन पाल उम्र 21 वर्ष निवासीगढ़ सिल्लारपुर थाना करैरा, छोटू लाल पुत्र उदयराज पाल उम्र 19 वर्ष निवासी मतवारी हाल फिल्टर रोड करैरा जिला शिवपुरी एवं अपचारी निवासी इस्माइलपुर जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी ग्राम सिल्लारपुर करैरा के द्वारा घटना घटित की गई। आज दिनांक 24/1/2024 की सुबह आरोपियों के घरों पर दबिश दी गई। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि ग्राम सिरसौद में एटीएम काटने की घटना को सुनकर आरोपी राहुल पाल के मन में एटीएम काटने की घटना करने का प्लान उत्पन्न हुआ तथा यूट्यूब पर वीडियो में एटीएम काटते हुए देखकर उपरोक्त सभी दोस्तों के साथ मिलकर आपस में चर्चा कर प्लान तैयार किया गया तथा ग्वालियर से 5,000 रुपये का गैस कटर मय उपकरण के खरीद कर लाए तथा दिनांक 11/1/2024 की रात्रि 3 बजे इंडिया वन एटीएम कस्बा करैरा के अंदर राहुल पाल एवं जितेंद्र पाल घुस गए तथा छोटू पाल एवं औपचारी एटीएम के सामने खंडर पड़ी चिल्डिंग में छिपकर पहरेदारी करने लगे। राहुल पाल एवं जितेंद्र पाल ने एटीएम की शटर बंद करके गैस कटर के माध्यम से एटीएम मशीन के नट काटे और मशीन बाहर निकाल को बाइक पर रखने का प्रयास किया, किंतु वजनदार होने से मोटरसाइकिल पर नहीं ले जा पाए और एटीएम मशीन को बाहर छोड़कर भाग निकले। आरोपियों के कब्जे से गैस कटर में उपकरणों के बरामद किया। आरोपियों से एटीएम काटने लूटने संबंधी अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सुनिए क्या कहा एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने। आरोपी है ये पुलिस को, शिवपुरी पुलिस को 2 मामले में अच्छी सफलता मिली है। देखा जाए तो गंभीरता को देखते, चूँकि एक प्रकरण जो करैरा वाला हुआ है जिसमें कि एटीएम को ले जाने का प्रयास किया था चोरों द्वारा, और खनिया धना में बैंक में घुस के जो है उसको बैंक के लॉकर को निकालने का प्रयास किया गया था। पुलिस की जो है मुस्तैदी से दोनों घटना रुक गई थी। पुलिस वहाँ मौके तत्काल पहुँची थी, भाग गए थे उस समय। हम लोगों ने इसको काफ़ी टेक्निकली जो है इसको और काफ़ी गहन विवेचना करते हुए दोनों मामलों का ट्रेस किया गया है। दोनों गैंग अलग अलग हैं। करैरा अलग गैंग है, खनिया धना अलग गैंग है। करैरा हम लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है जो गैस कटर से इस प्रकार की वारदात जो है वहाँ पे घटित किया था, और दूसरा जो खनिया धना में भी गैस कटर का प्रयोग किया। ये गैंग भी जो है गैस कटर बाहर से झांसी उधर से लाया था और यहाँ पे उसका जो है उसने एक कियोस्क सेंटर चलाने वाला जो आरोपी है जिसको पूरा बैंक का एक्सपर्टीज था। इस तरह से दोनों मामले जो है ट्रेस, उसमें 5 आरोपी, इसमें 4 आरोपी, आज टोटल 9 आरोपी जो है इस प्रकार के अपराधी संगीन अपराधी पकड़े गए हैं। सर पूर्व में भी कोई आप अपराध वगैरह है जाने पर? उनके पूर्व की अपराधी रिकॉर्ड जिले में भी नहीं मालूम पड़ा है जो अभी तक पूछताछ में, लेकिन हम लोग कुछ शक है इनके ऊपर, कुछ लूट या कुछ नकबजने के मामले इसके ऊपर हो सकते हैं। उसमें हम इसको रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। पुलिस रिमांड ली जा रही है और पूछताछ करेंगे। दूसरा, अन्य जिले बगल में जो अशोकनगर है, दतिया है या ग्वालियर है, ऐसे जिलों से भी इनका पता करेंगे इस प्रकार की घटना जो वहाँ हुई है, तो उसमें इनसे पूछताछ की जाएगी। सर लोकल न्यायालय के बारे में, इसमें एक नाबालिग है कहा था। सर लोकल लोगों के बारे में, इसके 18 साल से 2 महीने कम उम्र, कहाँ के रहने वाले हैं सर? करैरा। सर इस तरह की जो घटनाएं घट रही है एटीएम को लेकर।